वेलकम बैक स्टूडेंट स्टूडेंट हमने अभी तक के हमारे इस वीडियो लेक्चर के सेशन में और चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.4 तक कंप्लीट किया है। ओके, अब हम जो आगे का टॉपिक चलाने वाला है, ओके, यानी कि 6.5 एक्सरसाइज 6.5 के पहले जो थियोरिटिकल पार्ट है वो चलाने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि ये समझना पड़ेगा। देखो, यहाँ मैं थियोरिटिकल अप्रोच से थोड़ा कम चलूंगा, प्रैक्टिकल अप्रोच से ज़्यादा चलूंगा, क्योंकि देखो मैं थियोरिटिकल अप्रोच मतलब थियोरिटिकल आपको थियोरिटिकल पार्ट जो है वो समझाऊंगा तो इतना आपको समझ में शायद नहीं आएगा, पर मैं अगर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से समझाऊंगा तो लगभग आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, और एक बात और कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट जो है 6.5 बहुत ही IMP है। ओके, हर बार पेपर में कोई ना कोई 3 या तो 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही है। ओके, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है और इसके जो सम है ना वो बहुत ही कमाल के है, बहुत ही मजा आने वाला है। ओके, अब देखो तो फर्स्ट हमें देखना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ओके, यहाँ हम देखो फंक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है वो भी कोई पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में ही हम डिस्कस करके फाइंड करेंगे। ओके, अब चलो इसको डिटेल से देखते हैं कि क्या है मैक्सिमम। तो देखो मैक्सिमम जो वैल्यू है ना वो आपको दो तरह की मैक्सिमम भी मिल सकती है और मिनिमम भी मिल सकती है। देखो एक तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है और वो लोकल मैक्सिमम के रूप में भी मिल सकती है, लोकल मैक्सिमम मैक्सिमम। ओके, और मिनिमम जो है ना वो लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम भी आपको मिल सकती है। ये आप खाली समझो पहले, फिर आप हम ये समझेंगे कि ये क्या है। ओके, फिर लास्ट में हमें जो समझना है वो मैक्सिमम में एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी हो सकता है, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मैक्सिमा मैक्सिमा, आप इसको मैक्सिमा भी बोल सकते हो, मैक्सिमा। ओके, और मैक्सिमा, और यहां जो होगा ना वो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। ओके, तो आपको जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में तो वो मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है, लोकल मैक्सिमम भी हो सकती है और एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी हो सकती है, मिनिमा भी हो सकती है, लोकल मिनिमा भी हो सकती है और एब्सोल्यूट मिनिमा भी हो सकती है। ओके, अब ये कहाँ होगी वो हम डिटेल से देखते हैं। देखो हमें यहाँ समझना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्टी है, फिर हम जो प्रैक्टिकल अप्रोच से चलने वाले हैं वो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। ओके, तो पहले तो हम इसको समझते हैं कि भाई ये क्या चीज है। ओके, वन बाय वन समझते हैं। देखो पहले हम मैक्सिमम देखते हैं कि सपोज मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो इसको हमें देखने से, देखो मैं लेट करता हूं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स का कोई फंक्शन है। ओके, समझना, y इज इक्वल टू एफ एक्स का कोई फंक्शन है और इस फंक्शन मुझे इस प्रकार का गिवन है। देखो ये फंक्शन, ओके, इस प्रकार का कोई फंक्शन गिवन है, ये कर्व है कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स का। अब मैं कोई x के ऊपर से x इज इक्वल टू, सपोज ये इंटरवल गिवन है a और यहाँ है b। ओके, तब मेरा x जो है ना वो ए बी में है। ओके, ऐसा मैंने, या सॉरी ये तो इंटरवल मैंने ले लिया कि भाई ए और बी के इंटरवल में मेरा कोई फंक्शन है और उस फंक्शन में यहां मैंने कोई x इज इक्वल टू सपोज सी फंक्शन पॉइंट ले लिया और यहां मैंने इस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू मतलब x इज इक्वल टू सी पे मैंने फंक्शन देखा ना तो मुझे सबसे हाईएस्ट यहां जो एफ सी मिल रहा है एफ सी की जो वैल्यू मिल रही है वो सबसे हाईएस्ट है, एफ ऑफ सी क्या है, सबसे हाईएस्ट है। इसका मतलब देखो मैं आपको थोड़ी आसान भाषा में समझाता हूँ कि अगर x
कि कोई मैं पॉइंट लूँ, एक्स का कोई मैं पॉइंट लूँ इस फंक्शन के ऊपर से, और इस पॉइंट पे मैं फंक्शन की वैल्यू देखूँ, तो मुझे दूसरे जो पॉइंट है इससे मुझे ज़्यादा मिलनी चाहिए। मतलब देखो, आप यहाँ से आप देखो, तो सपोज यहाँ कोई आप दूसरा पॉइंट ले लो, सपोज सी वन ले लो, है ना। तो इस पॉइंट पे आप एफ ऑफ सी वन फाइंड करेंगे, तो वो तो आपको एफ ऑफ सी से क्या होगा, एफ ऑफ सी से क्या होगा, छोटा ही होगा ना। ऑलवेज एफ ऑफ सी क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये जो हमें मिलने वाली है, जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। एंड एक्स इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ये क्या होगा भाई, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। आई बात समझ में, ओके। तो जहां सी जो है ना, सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। क्या होगा, मैक्सिमा। एंड एफ सी इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ में, ओके, क्लियर। एक बार देखो, अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा वीडियो देख लेना, कि अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन है और उस फंक्शन पे मैं एक्स की कोई वैल्यू लेता हूँ, ओके, तो इस एक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग मुझे अगर फंक्शन की वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट मिलती है, तो वो जो वैल्यू मिलेगी वो मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जिस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिली है वो मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ओके। अब एक बात समझो कि भाई एक्स की कोई भी आप यहां वैल्यू लो, आप एक्स कोई भी वैल्यू लो, है ना, तो वो एफ सी से छोटा ही होगा ऑलवेज। अगर आप सी बिलोंग्स टू, आपने ए बी लिया, ओके, क्योंकि मेरा सी कहाँ है, इस इंटरवल के अंदर, है ना, तब आप इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट लोगे, एफ ऑफ एक्स सपोज एक्स कोई भी पॉइंट होगा, तो वो एफ ऑफ सी से क्या होगा, ऑलवेज छोटा होगा। क्या होगा, ऑलवेज छोटा होगा। आई बात समझ में, इस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट ले लो, ओके, मैंने क्या लिया, इस इंटरवल में से सी पॉइंट लिया, तो वो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप जो भी वैल्यू फाइंड करोगे उससे ऑलवेज क्या होगा, छोटा ही होगा, ओके। ये एक खासियत है। देखो, ये समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, ये दोनों समझ लेना कि ये जो पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनता है, और जिस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, ओके, वो एफ सी इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू। एटले के इसका मतलब ये है कि उस फंक्शन पे, इस पॉइंट पे जो वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ओके। तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ। अब हम देखेंगे मिनिमम वैल्यू, ओके, चलो तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब ये थी मैक्सिमा की बात, अब मिनिमा की बात करते हैं, मिनिमम वैल्यू। चलो अब इसकी बात है ना, मिनिमम वैल्यू। अब देखो मैक्सिमा से एकदम क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब क्रॉस मतलब उल्टा, ओके। अगर हमारे पास लेट कोई मेरे पास फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का, ओके, और ये मेरा फंक्शन का कोई कर्व मुझे मिलता है इस साइड, ओके, ऐसा मुझे कोई भी मिला, तब मैं कोई एक्स की वैल्यू, यहाँ इंटरवल है, ये ए है और ये बी है, ओके, तब मैं कोई एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट ले लेता हूँ, और उस पॉइंट पे मैं फंक्शन पे कोई वैल्यू डिफाइन करूँ, तो मुझे एफ ऑफ सी ऐसा मिले कि जो कर्व की बाकी के पॉइंट पे जो मुझे वैल्यू मिलेगी उससे सबसे क्या मिले, कर्व। इसका मतलब कि एफ ऑफ सी की मुझे ऐसी वैल्यू मिलेगी कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स की कोई भी वैल्यू फाइंड करूं तो वो ऑलवेज इससे क्या होगी, छोटे ही होगी। बस एफ ऑफ सी ऑलवेज एफ ऑफ एक्स से क्या होगा, छोटा ही होगा। कब, जब मेरा जो सी है ना वो ए बी के इंटरवल में हो, तब, ओके, क्योंकि हम इसकी बात करेंगे ना, यहां से लेके यहां तक के, तो यहां से लेके यहां तक मुझे किस इंटरवल मिल रहा है भाई, ऐसे लेके बी का, ओके, और सी बिलोंग्स टू ए बी इंटरवल। आई बात समझ में। तो अब देखो, ये जो सी है ना, अगर इस पॉइंट पे हमें सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है, मतलब मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो ये पॉइंट होगा वो सी इज कॉल्ड
सी इज इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, ओके। एंड जो एफ ऑफ सी है इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू, क्या होगी मिनिमम वैल्यू, आई बात समझ में, ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होती है भाई, कि कोई भी हमें फंक्शन गिवन हो और उस फंक्शन का कोई मैं पॉइंट ले लो और उस पॉइंट पे अगर मुझे ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलती है तो वो मेरी क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी और उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोलेंगे। और अगर मुझे इस पॉइंट पे मतलब कोई भी मैं मुझे पॉइंट पे एक्स की कोई पॉइंट लेता हूँ और यहाँ मुझे सबसे छोटी वैल्यू मिले तो उसको हम मिनिमम वैल्यू बोलेंगे और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे, ये एक बात याद रखना, ओके। चलो अब हमें समझना है कि भाई ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है, ओके। तो चलो पहले लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एक ही हम साथ समझेंगे। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा, चलो अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ओके। अब देखो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, अब देखो यहां कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx का और वो जो मेरा फंक्शन है ना उसका जो कुछ ग्राफ है इस तरह है, देखो इस तरह है, ओके। देखो यहां से इस तरह चलता है, ओके। ये ग्राफ है ना वो इस तरह चलता है। अगर मैं x एक्सिस के ऊपर से कोई मैं पॉइंट ले लूं सपोज c1, यहां से ले लेता हूं सपोज c2, यहां से ले लेता हूं सपोज c3, और यहां से सपोज ले लेता हूं c4, ओके। ये यहां तक चलता है, कोई भी चला जाए। अब लोकल मैक्सिमा का मतलब ये है कि भाई इस पॉइंट पे अगर मुझे ये यहां टॉर्च पे देखो, ओके, ये मेरा एक्सट्रीम पॉइंट है ना, ये भी मेरा एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब C1, C2, C4 तक हमें एक्सट्रीम पॉइंट मैंने लिए हैं सब के सब जानबूझ के लिए, ओके। तो अब देखो लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या होता है असल में, तो आप एक कॉन्सेप्ट में देता हूं, इसके अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे कि अगर मैं एक इंटरवल ले लूं छोटा सा इंटरवल ले लूं, ओके, और उसमें से मैं एक पॉइंट लेता हूं, सपोज ए बी इंटरवल है और उसमें से मैं सी पॉइंट लेता हूं, देख लो अब इस इंटरवल पे अगर मैं मेरा कोई कर्व ऐसा है ना, तो इस कर्व पे हमें ये जो सी की है वैल्यू यहां मिलेगा ना एफ ऑफ सी, तो ये एफ ऑफ सी ये इन दोनों पॉइंट की वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, मतलब आप यहां से वैल्यू फाइंड करो और यहां से भी वैल्यू फाइंड करो तो एफ ऑफ सी जो है ना वो इन दोनों की वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, अगर बड़ा है तो वो बन जाएगा हमारा लोकल मैक्सिमा, क्या बन जाएगा लोकल मैक्सिमा है, वो मैक्सिमा तो है, ओके। एक बात समझ लो, ये यहां लोकल मैक्सिमा बनता है। अब देखो समझो कि अगर मैं कोई एच पॉइंट ले लू कोई ग्रेटर देन जीरो के लिए बात करता हूं, ओके, और आप यहां देखो इस C1 है ना, मैंने छोटा सा इंटरवल लिया, ये छोटा सा इंटरवल है और यहां से आप देखोगे ना तो ये होगा C1 माइनस एच, एच यानी कोई भी छोटा सा डिस्टेंस है, ओके, डिस्टेंस का डिफरेंस बताता है, और यहां से मैंने जो ले लिया ये देखो ये होगा C1 प्लस एच होगा, ओके ना, क्योंकि देखो C1 से आप पीछे जाओगे तो C1 माइनस एच होगा और C1 से आगे जाओगे तो C1 प्लस एच होगा, ओके। तो अब देखो कि यहां C1 माइनस एच है ये पॉइंट का और ये C1 प्लस एच है, तो इसका मतलब यहां मुझे जो FC मिलेगा ना वो सबसे बड़ा होगा, ये पॉइंट मतलब F ऑफ C1 माइनस एच से और F ऑफ C1 प्लस एच से, आई बात समझ में, ये जो FC होगा ना वो इससे और इससे क्या होगा बड़ा ग्रेटेस्ट होगा, तब भी ये कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। तब ध्यान से देखो, इसको तो हम बोलते थे ना मैक्सिमा, इससे ही हमें बोलते थे मैक्सिमा,
है ना, इसको हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और इसको क्या बोलते थे हम, मैक्सिमा, वैल्यू ऑफ मैक्सिमा। आई बात समझ में? ओके, अब देखो यहां, यहां से आप नीचे जाओगे, नीचे जाओगे तो आप यहां एफ ऑफ सी टू फाइंड करोगे ना, है ना। तो यहां देखो ये जी चीज है ना सी वन माइनस एच है, और ये चीज है ना सी वन सॉरी सी टू है ना, यहाँ सी टू प्लस एच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सी टू पॉइंट पे अगर आप एफ ऑफ सी टू फाइंड करोगे तो उसकी सबसे ग्रेटेस्ट न्यूनतम होगी। देखो न्यूनतम का मतलब होगी छोटी, सबसे छोटी होगी, है ना, है बात समझ में। अब देखो एक बात समझो कि अगर यहां मेरा पॉइंट है, सपोज मैंने यहां से जीरो से स्टार्ट किया, ध्यान से देखो मैं यहां बताता हूं, देखो इसको इतना सा कॉन्सेप्ट समझो, बाकी सब तेल लेने गया, कॉन्सेप्ट समझो। ओके, अब देखो मैं इतना सा पार्ट बताता हूँ, सपोज इसको मैं नाम दे देता हूँ कोई भी, सपोज ये नाम दे देता हूँ कैपिटल ए और कैपिटल बी। अब देखो यहाँ मैंने यहाँ सा ये पार्ट लिया, ये है कैपिटल ए और ये कैपिटल बी यहाँ से। ओके, देखो ऐसा कुछ है ना। ओके, अब देखो मैंने यहाँ से कोई सी पॉइंट लिया ना, सी वन, सपोज मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये जीरो से स्टार्ट करूंगा, यहाँ सी वन है, इसका मतलब सी वन इज इक्वल टू यहाँ वन है, तो यहाँ टू ले लेता हूँ, यहाँ थ्री है और यहाँ फोर है, सपोज ऐसा मैंने ले लिया। अब और एच इज इक्वल टू सपोज मैं वन ले लेता हूँ। ओके, अब देखो इस पॉइंट पे यहाँ मेरा एफ ऑफ सी वन होगा, एफ ऑफ सी वन। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो देखो यहाँ यहाँ मुझे वन मिल रहा है, यहाँ टू मिल रहा है, यहाँ थ्री मिल रहा है। ओके, तो अब ध्यान से देखो एफ ऑफ सी वन की वैल्यू क्या मिली, एफ ऑफ सी वन इज इक्वल टू क्या मिला, थ्री मिला। ओके, अब देखो मैं इसके बाजू वाला मतलब सी वन माइनस एच लेता हूँ। अब देखो मतलब सी वन क्या है, मेरे पास टू है, सी वन माइनस एच कर एच करूँ मैं, सी वन माइनस एच, तो सी वन की वैल्यू क्या है टू, एच की वैल्यू क्या है वन, इसका मतलब वन आया ना, मतलब सी वन माइनस एच इज इक्वल टू मुझे वन मिला, तो ये होगा सी वन माइनस एच, है ना पॉइंट। तो उस पॉइंट पे आप एफ ऑफ सी फाइंड करो, तो यहाँ देखो क्या मिल रहा है आपको, 2.5 मिल रहा है ना, इसका मतलब एफ ऑफ सी वन माइनस एच इज इक्वल टू 2.5। अब यहाँ आप देखो अब क्या करोगे, सी वन प्लस एच करोगे तो आपको 3 मिलेगा ना, सी वन प्लस एच करो, सी वन प्लस एच इज इक्वल टू 2, कॉन्सेप्ट समझो एक बार, सॉरी 2 प्लस 1 यानी 3, सी वन यानी 2 और एच यानी 1, ये 3 से आप डिनोट करो, देखो ये मिला, तो सबको ये भी यही मिला। देखो अगर आप थोड़ा सा मैंने ये तो रफली लिया, अब अगर आप ऐसा कर दो कुछ ऐसा कर दो तो ये थोड़ा सा छोटा होगा, मतलब एफ ऑफ सी वन प्लस एच इज इक्वल टू 2.3 मिला। तो ग्रेटेस्ट क्या है भाई हमारे पास, एफ ऑफ सी वन, ग्रेटेस्ट क्या है हमारे पास, एफ ऑफ सी वन, है ना। इसका मतलब सी वन इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड एफ ऑफ सी वन इज द मैक्सिमम वैल्यू, कई बात समझ में। सेम टू सेम प्रोसेस आप मिनिमा वे पे कर सकते हो। ओके, अब देखो मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझाता हूं, यहां आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, देखो मैंने यहां थोड़ा खिचड़ा बना दिया, पर आप स्टेप बाय स्टेप लिख लेना क्योंकि आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझो। ओके, अब देखो मिनिमा का पॉइंट देखते हैं, एक इंटरेस्टिंग है, देखो मैं यहाँ बताता हूँ, देखो मैं इसको देख लो, यहाँ मैंने बी लिया और यहाँ मैंने कैपिटल सी लिया, सी नहीं मैं कुछ और ले लेता हूँ, बी डैश ले लेता हूँ, सी मैंने यूज किया इसीलिए। अब देखो ये चीज़ है ना, यही चीज़ है ना बी, और ये है बी डैश। ओके, और ये ऐसा है कुछ, चलो अब देखो मैंने यहाँ से एक पॉइंट उठा लिया सी टू, और सी टू इज इक्वल टू सपोज ले लिया कोई, सपोज यहाँ मैंने लिया वन है, यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, यहाँ फोर है और यहाँ फाइव है। ओके, और सी टू उठा के मैंने यहाँ देखा तो ये जो वैल्यू मिल रही है मुझे, यहाँ से जीरो है और यहाँ से वन है, यहाँ से टू है, यहाँ से थ्री है और यहाँ से फोर है,
कोई भी मैंने रफली ले लिया, टेंशन मत लेना। तो इसकी जो सॉरी ये माइनस में होगा ना भाई, देखो ये अकाउंट नीचे जा रहा है, माइनस में होगा। तो ये जो नीचे की बात है ना, वो आपको मिल रहा है आंसर -3। क्या मिल रहा है? -3। अब देखो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये चीज़ मिलेगी, ये -2 मिलेगा। यहाँ से आप देखोगे तो ये आपको ये मिलेगा, देखो -2.5 मिल रहा है। तो सबसे ग्रेटेस्ट मिनिमा क्या है आपका? सबसे ग्रेटेस्ट मिनिमा क्या है? 3। ऑब्वियसली 3 है ना, क्योंकि देखो -2, -2.5 एंड -3, इसमें से सबसे ग्रेटेस्ट मिनिमा क्या है? ये है कि नहीं? इसका मतलब ये क्या आया? लोकल मिनिमा। लोकल का मतलब ही होता है लोकल, यानी छोटा सा इंटरवल। आप छोटा सा इंटरवल ले लो इससे, ओके, और उसमें भी आपको मैक्सिमम मिल रहा है, कोई पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो वो आपका हो जाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। आई बात समझ में? अगर मिनिमम वैल्यू मिल रही है तो वो हो जाएगी आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू। लगभग अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में थोड़ा सा आएगा। ओके, समझना, इस वीडियो को एक दो बार देखना, तब आपको इससे ज़्यादा भी समझ में आएगा। ओके, अब एक बात समझता हूँ कि क्या ऐसा फंक्शन आपको मिल सकता है कि इसमें एक मैक्सिमम वैल्यू हो, एक मिनिमम वैल्यू भी हो? मिल सकता है ऐसा मिल सकता है। देखो, आपको ऐसा भी फंक्शन मिलेगा कि जिसमें एक मैक्सिमम, एक में नहीं, मैं एक शब्द नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि उसमें आपको कई सारे मैक्सिमा भी मिल सकते हैं, कई सारे मिनिमा भी मिल सकते हैं। या तो एक मिल सकते हैं मैक्सिमा, एक मिनिमा मिल सकते हैं, या तो एक भी नहीं मिलेगा। अब ध्यान से देखो इस ग्राफ को, है ना, ये शायद मैंने ये किसका डायग्राम है, देखो इस फंक्शन का है, y इज इक्वल टू साइन x का, है ना, y इज इक्वल टू साइन x का ये डायग्राम है, याद करो, है ना। तो ये x का, y इज इक्वल टू x, साइन x का फंक्शन है ना, ये मेरा फंक्शन क्या है? साइन x। तो साइन x में आप देखो, ये तो चलता ही रहेगा ना, ये तो चलता ही रहेगा। तो आपको लोकल मैक्सिमा यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ लोकल मिनिमा, यहाँ लोकल, यहाँ मिनिमा, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे तो कई सारे लोकल मैक्सिमा मिलेंगे, है ना, और यहाँ कई सारे लोकल मिनिमा भी मिलेंगे। ओके, तो आप ऐसा फिक्स मत करना, सोचना कि एक फंक्शन में आपको एक से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है, एक से ज़्यादा मिनिमम वैल्यू भी मिल सकती है। ओके, या तो एक भी नहीं मिलेगी मैक्सिमम, एक भी नहीं मिलेगी मिनिमम, या तो एक मिलेगी एक नहीं मिलेगी। ओके, कन्फ्यूज मत होना, देखना एक बार। अब देखो आपको तो भाई इस फंक्शन में कहीं सारी लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, पर उसमें भी लोकल मैक्सिमम मिलेगा, पर उसमें भी जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा ना, वो होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या होगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज कॉल्ड हाईएस्ट, मतलब ग्रेटेस्ट लोकल मैक्सिमा। आई बात समझ में? एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ओके, और जो ग्रेटेस्ट लोकल मिनिमम वैल्यू है, वो हो गया हमारे एब्सोल्यूट मिनिमा। आई बात समझ में? ओके, डायग्राम को एक बार समझो। देखो, अगर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसमें से भी जो ग्रेटेस्ट होगी वो लोकल मैक्सिमा होगा, उसमें से भी ग्रेटेस्ट होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करने आती है, उसमें लोकल मिनिमा क्या होगा? जो मिनिमम में ग्रेटेस्ट है, मिनिमम में, लोकल मिनिमा में भी ग्रेटेस्ट है, उसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट मिनिमा। ओके, आया कॉन्सेप्ट? मतलब ये इंट्रोडक्शन पार्ट ही था। ओके, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि भाई हमें सम, मतलब ये मैक्सिमा मिनिमा लोकल मिनिमा कैसे फाइंड करना है। ओके, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। तो अब हमें देखना है कि हाउ टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। ओके, हमें
पूछे कि भाई ये फंक्शन है, उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालो। ओके, तो कैसे निकालेंगे? देखो मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक ले लिया, कोई फंक्शन ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। ओके, ये शायद आपकी एक्सरसाइज 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, ये मैंने ले लिया। अब देखो कैसे फाइंड करनी है मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू। देखो कोई भी अगर मेरे पास फंक्शन है ना, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। क्या करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका मतलब डी बाई डी एक्स एफ एक्स करना है। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू 2x माइनस 1, और 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, प्लस 3 का क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमें मिला, इसको हम बोलेंगे एफ डैश एक्स। ओके, है ना, एफ डैश एक्स। फर्स्ट मैंने डेरिवेटिव किया ना, तो एफ डैश एक्स, सेकंड डेरिवेटिव करता तो एफ डबल डैश एक्स बोलता। ओके, तो ये 2 टू जा 4, 4 2x माइनस 1 होगा। अब देखो हमें एक x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, कि ये मैंने बताया था ना कि x इज इक्वल टू सी हमारा पॉइंट होगा, वो पॉइंट ऑफ या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। तो पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए हम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लेते हैं। ओके, अब एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ रखो, 4 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4 को राइट हैंड साइड भेजो तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/2। x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2। देखो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, तो ये स्टेप 1 हुआ, ये हमारा स्टेप 1 है। अब देखो स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में हमें क्या करना है भाई, कि हमारा x जो हमें हम देखते थे मैक्सिमम वैल्यू में, ये कोई फंक्शन था, मतलब ऐसा कोई फंक्शन था, तब हमारे पास यहाँ x इज इक्वल टू मैंने c कोई वैल्यू ली थी, है ना, तब एक ऑफ c हम फाइंड करते थे। अब x इज इक्वल टू हमें 1/2 मिल गया, मतलब c की वैल्यू हमें मिल गई, पर हमें बताना है कि भाई ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, तो ये कैसे दिखाएंगे, देखो स्टेप 2 में देखते हैं वो, कि हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म थी ना, ये देखो इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, तो इस इक्वेशन को फिर से डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो देखो इसको हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे इस इक्वेशन का, तो ये क्या हो जाएगा, डबल डैश हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, है ना, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 4, ये 2x का क्या होगा, 2x का 1 हो जाएगा, यानी 8 आया, तो क्या आया, 8, एफ डैश डबल डैश इज इक्वल टू 8, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 आया। अब समझो, देखो यहाँ कि अगर f डबल डैश x की वैल्यू पॉजिटिव आई, क्या है, पॉजिटिव। ओके, तो ये जो हमें इस पॉइंट पे वैल्यू मिलने वाली है वो मिनिमम होगी, क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। ओके, और ये f डबल डैश की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो हमें जो वैल्यू मिलने वाली है वो मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है, मैक्सिमम वैल्यू। आई बात समझ में? ओके, तो अब ध्यान से देखो कि यहां ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, तो हमें ग्रेटर देन 0 है ना, इसीलिए हमें क्या मिलने वाली है, मिनिमम वैल्यू। ओके, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 1/2 वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमम, है ना, यहां हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ओके ना, एफ ऑफ सी हमारी क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, और नीचे हमें क्या एफ ऑफ सी मिल रहा था, मिनिमम वैल्यू। ओके ना, तब हमारा जो यहां सी था वो पॉइंट ऑफ मिनिमा था, और यहां क्या था, सी इज इक्वल टू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहां हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो ये हमारा पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, और ये जो होगा ना f ऑफ
तब हमें जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी ना, सो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/2, वो क्या होगी? देखो कैसे फाइंड करते हैं कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एफ एक्स लिखना है, क्योंकि हमें भाई ये पॉइंट तो हमें मिनिमम पॉइंट मिला ना, पॉइंट ऑफ मिनिमम मिला है। अब हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है वो हमें यहाँ रखनी होगी, तभी हमें फंक्शन देगा ना, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो फंक्शन की वैल्यू ही फाइंड करते हैं, मिनिमा है या मैक्सिमा, ओके ना। तो इस फंक्शन को लिखो पहले, तो क्या होगा 2x-1 का स्क्वायर प्लस 3। अब एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 के लिए है, तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2, यानी कि x की जगह क्या आ जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 2x की जगह आ जाएगा 1/2 -1 का स्क्वायर प्लस 3। 2 से 2 कट, 1 - 1 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3, आंसर आया 3। इसका मतलब कि एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू आपको आंसर मिला 3, ओके। तो आप बोलोगे कि भाई हमें जो मिनिमम वैल्यू मिली ना, मिनिमम वैल्यू एट एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 इज 3, बात समझ में? ओके, तो ये है हमारी मिनिमम वैल्यू और ये है पॉइंट ऑफ मिनिमम। कैसे फाइंड करना है? हमें जो भी फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के हमें क्या करना है, उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेना है और x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकाल दी, ओके। अब डिसाइड करना है कि भाई ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा, वो डिसाइड करने के लिए हम सेकंड स्टेप देखेंगे, और वो जो डिसाइड करता है ना उसको हम बोलेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या बोलेंगे? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ओके। तो भाई आपको एक क्वेश्चन होगा कि ये भाई ये 8 है उसका कहीं इस्तेमाल होता है कि नहीं, तो इसका कहीं भी यूज नहीं होता। ये हमें एफ डबल डैश एक्स ओनली यही बताता है कि भाई आपकी जो वैल्यू पॉइंट मिला है, आपका जो पॉइंट मिला है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा, ओके। और आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कि मिनिमम वैल्यू, यही आपको बताता है। ये बता के इसका काम पूरा हो जाता है, ओके। यहाँ आपने बता दिया कि भाई ग्रेटर देन जीरो है, तो जो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, अगर लेस देन जीरो है इसका मतलब नेगेटिव आता है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ओके। अगर यहाँ मिनिमम वैल्यू मिलती है तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर मैक्सिमम वैल्यू मिलती है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ओके। सिंपल क्वेश्चन है, ओके। तो आज का सेशन मैं यहाँ स्टॉप करूँगा और आगे के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व करेंगे, ओके।